हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं इसमें 10 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ लेकर के आ रही थी, लेकिन अब मैंने जो आज लिए हैं क्वेश्चंस वो 20 क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं जिम्नोस्पर्म्स पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहिएगा, और जैसा कि सभी लोग, आप लोग अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। इस वक्त तो सबको एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन सब ऑफलाइन तो बंद रखे हैं, बट ऑनलाइन का ही सपोर्ट है। तो इसीलिए हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, और मैं पर्सनली 10 ईयर्स से ऑफलाइन कोचिंग कर रही थी, पढ़ा रही थी, बट और मैं अब ऑनलाइन पे स्टार्ट कर दिया है मैंने तो। और मेरा पूरा पूरा ट्राई है, पूरा पूरा कोशिश ये है कि आप सभी लोगों को अपनी बेस्ट पूरी नॉलेज पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बेयर फ्रूट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव ऑप्शन ए सीड्स, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी ओव्यूल, ऑप्शन डी लीव्स। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं क्योंकि उसमें ओवरी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जो ओवरी होती है वो क्रिस्प में कन्वर्ट हो जाती है। जो एंजियोस्पर्म जब हम लोग पढ़ते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो तब हम लोग वहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है पूरी फ्रूट में, ठीक है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें फ्रूट बनता नहीं है क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म्स आर रिफर्ड टू एज नेकेड सीडेड प्लांट्स बिकॉज, देखिए जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं क्यों? ऑप्शन ए दे लैक ओव्यूल, ऑप्शन बी दे लैक ओवरीज, ऑप्शन सी दे लैक नो दे हैव नो सीड कोट, ऑप्शन डी द एम्ब्रियो इज अनप्रोटेक्टेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया था, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने यही किया था कि इनमें ओवरी नहीं होती। बट फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चंस को अलग अलग वे में एग्जामिनर आस्क करता है, तो इसीलिए मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरा ये ट्राई है, ये कोशिश है मेरी कि आप लोगों का कोई एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए एक लेक्चर देखने के बाद। तो चलिए, यहाँ पर नेकेड सीडेड प्लांट्स बोले जाते हैं जिम्नोस्पर्म को, क्यों? क्योंकि इनमें ओवरीज नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लांट्स विच पजेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्रूट तो हैं लेकिन सीड नहीं है। एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन है ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑप्शन डी एल्गी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स हैं बट फ्रूट्स नहीं हैं। क्वेश्चन फोर है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट इंक्लूड्स, जिम्नोस्पर्म्स में क्या नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन है हमारे पास ए हर्ब, बी श्रब, सी ट्रीज एंड डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं, वो मिडिल साइज के होते हैं, जैसे कि साइकस है, ठीक है, जो साइकस का ट्री होता है वो मिडिल साइज़ का होता है, ना तो बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। आप इसको जब कभी कहीं पार्क में भी जाएं या कहीं पे घूमने भी अगर आप जाते हैं तो अक्सर ही ये लगा रहता है वहाँ पे ऐसे एरियाज़ में। जैसे दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब में गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, तो मैंने उसको सामने से रियल देखा। वैसे भी बोटानिकल गार्डन्स वगैरह भी मैं जा चुकी हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इनके कोन्स वगैरह भी सब देख सकते हैं आप। तो चलिए, और जो टॉल अगर ट्री की बात करें तो साइकस तो आपका छोटा मिडिल साइज़ का ट्री होता है, और अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस टॉल होते हैं, लंबे होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए पाइनस टॉल होते हैं, और अगर श्रब की बात करें तो श्रब आपकी इफेड्रा जो होता है वो श्रब होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो इफेड्रा है वो श्रब होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने देख लिया कि ट्री हैं और श्रब्स भी हैं, और क्लाइंबर्स रेयरली, कभी कभी रेयरली वूडी क्लाइंबर्स होते हैं, जो नीटम होता है फ्रेंड्स, जो नीटम होता है NGNETUM, जो नीटम है फ्रेंड्स वो वूडी क्लाइंबर होता है, ठीक है। क्लाइंबर्स तो आप जानते ही होंगे, जो ऊपर चढ़ जाते हैं किसी सहारे को लेकर के। देयर आर नो
हर्ब्स इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म्स में कोई हर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी हो, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हर्ब्स। हर्ब्स नहीं होते हैं फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब्स नहीं होते हैं। चलिए इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगी जो प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं फ्रेंड्स इनके इनमें वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है, जाइलम में इनमें वेसल्स नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं फ्रेंड्स। ओके चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। माइकोराइजल रूट्स ऑफ डैश है आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोट्स। ओके तो यहाँ पे कहा गया है जो माइकोराइजल एसोसिएशन जो होता है, तो माइकोराइजल जो रूट्स होती हैं फ्रेंड्स, तो वो कहा गया है कि कौन सा ऐसा प्लांट है इसमें ऐसा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि जो जिनकी रूट्स फंगल सिम्बायोट से, जिसमें फंगस होता है और जो सिम्बायोसिस शो करती हैं, ठीक है। तो आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पाइनस, ऑप्शन बी है सिड्रस, ऑप्शन सी है साइकस और ऑप्शन डी है गिंगो। तो फ्रेंड्स ठीक है देखते हैं इनमें से किसकी रूट में फंगस के साथ एक एसोसिएशन होता है जिसको फंगल एसोसिएशन भी कहते हैं, माइकोराइजल रूट्स भी कहते हैं जिनको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, जो माइकोराइजा होती है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोसिस में आपको पता है कि जो दो पार्टनर्स होते हैं जिसमें दोनों को ही लाभ होता है, जैसे कि हम लोग आप लोग जानते हैं कि जितने भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि जो दलहन वर्ग के पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें नोड्यूलिया गांठें पाई जाती हैं और उन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो ये भी एक तरीके का सिम्बायोसिस ही है, सहजीवन है। तो इस तरीके से जो माइकोराइजा होता है वो भी एक सहजीवन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस का और रूट के साथ होता है। तो जो माइकोराइजल रूट्स होती हैं वो पाइनस में होती हैं, ठीक है, पाइनस की रूट्स को माइकोराइजल रूट्स ही बोला जाता है और ये सॉयल जो मिट्टी का सरफेस होता है उसके पास रहती हैं, ठीक है, एसोसिएटेड रहती हैं और इनमें रूट हेयर नहीं होता है और ना तो रूट कैप होता है। देखिए फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से कितने पॉइंट्स निकल करके आ गए हैं। तो पहले तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, नो रूट हेयर्स, नो रूट हेयर नहीं होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्सेप्शन हमेशा पूछे जाते हैं, रूट हेयर नहीं होगा और नो रूट कैप भी नहीं होगी, ठीक है। इनकी रूट्स में ना तो रूट हेयर होंगे और ना तो रूट कैप होगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अब ऑप्शन बी तो ए तो करेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऊपर देखिए फ्रेंड्स माइकोराइजल था और यहाँ पे कोलोराइड रूट्स की बात आ गई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। तो क्वेश्चन 6 जो हमारा है कोरोलाइड फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये होगा कोरोलॉयड होता है, कोरोलॉयड, ठीक है, कोरोलॉयड रूट्स होती हैं। तो ये जो फ्रेंड्स कोरोलॉयड रूट्स हैं ये इसका क्वेश्चन आ गया, कोरोलॉयड रूट ऑफ डैश हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी सिड्रस, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी गिंगो। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता ही है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइकस, ठीक है। कोरोलॉयड रूट किस में पाई जाती हैं फ्रेंड्स, साइकस में पाई जाती हैं, कोरोलॉयड रूट साइकस में पाई जाती हैं, कोरोलॉयड रूट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बीजिए भी कहते हैं जो, और एनाबिनिया नॉस्टॉक इनका एग्जाम्पल भी होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज़ ब्रांच्ड सिस्टम्स। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी है सिड्रस, डी है बोथ ए एंड सी। तो अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि पाइनस, ठीक है, ब्रांच सिस्टम होता है इसका और ऑप्शन सी है सिड्रस, इन दोनों का ही स्टेम ब्रांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड विंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ठीक है।
ऑप्शन ए है नीडल लाइक लीव्स, बी है थिक क्यूटिकल, सी संकेन स्टोमेटा एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स हैं वो वेल एडॉप्टेड होती हैं, जिससे कि वो ह्यूमिडिटी को, हवा को और इन और जितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनको सह सकें। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फीचर है जो उसको इन सब चीज़ों के लिए सुगम बनाता है या एडॉप्टेबल बनाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो कोनीफर्स होते हैं, ठीक है, ये कोनीफर्स में क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं वो ज़ीरोफाइटिक कैरेक्टर्स होते हैं। ज़ीरोफाइटिक कौन होते हैं? ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज़ जो मरुस्थल या रेगिस्तान में उगते हैं, तो वहाँ पे उगने के लिए उनके अंदर कुछ एडॉप्टेशंस अनुकूलन पाए जाते हैं। तो कोनीफर्स भी जो हैं फ्रेंड्स वो ज़ीरोफाइटिक होते हैं, ठीक है, उनमें ज़ीरोफाइटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स? की नीडल लाइक या सुई की जैसी उनकी पत्तियाँ होती हैं। एक एग्जाम्पल क्या है इसका, नीडल लाइक लीव्स का, पाइनस। और क्या होता है, स्केल लाइक, ठीक है, शल्क जो होती है स्केल लाइक, थूजा जो है प्लांट फ्रेंड्स उसमें स्केल लाइक होती हैं, ठीक है, या तो फिर लेदरी लीव्स होती हैं, मोटी होंगी, लेदरी लीव्स होंगी, तो थिक क्यूटिकल होगी। स्क्लेरिन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है फ्रेंड्स, और जो स्टोमेटा होते हैं वो संकेन होते हैं, यानी कि स्टोमेटा थोड़े से गड्ढे में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, संकेन स्टोमेटा ज़ीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, ऐसे यहाँ पे कहीं पे स्टोमेटा सिचुएटेड होते हैं। तो बिल्कुल एक्सपोज्ड होंगे तो क्या होगा, जो वाटर का इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, वो ज़्यादा होगा, इसीलिए थोड़ा सा गड्ढे में होते हैं फ्रेंड्स। अच्छा देखिए उसके बाद क्या है, जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए संकेन स्टोमेटा होते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है, अगर जब विंटर पीरियड आता है यानी कि जाड़े के मौसम में, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स वो ऐसे होती हैं कि ये अगर बारिश हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो विंटर में तो उसको बियर कर सकें, ठीक है। और जो मिट्टी होती है वो फ्रोज़न हो जाती है और वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसीलिए क्या होता है ये सारे एडॉप्टेशंस में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि नीडल लाइक लीव्स भी होती हैं, क्यूटिकल थिक होगी, स्टोमेटा संकेन होंगे, ये सारा। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है सीड प्लांट्स आर ऑल, ऑप्शन ए हेटरोस्पोरस, बी डायोशियस, सी मोनोशियस एंड डी होमोस्पोरस। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। देखिए हेटरोस्पोरी क्या होती है फ्रेंड्स, हेटरोस्पोरी एक ऐसी कंडीशन होती है, एक मिनट में ये थोड़ा लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए हेटरोस्पोरी, हेटरोस्पोरी, ठीक है, हेटरोस्पोरी एक ऐसी कंडीशन होती है फ्रेंड्स जिसमें कि दो टाइप के स्पोर्स पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एक होगा मेगा स्पोर, ठीक है, मेगा मतलब बड़ा होता है, एक मेगा स्पोर होगा फ्रेंड्स, ओके, मेगा स्पोर। और दूसरा होता है फ्रेंड्स माइक्रो स्पोर, माइक्रो मीन्स छोटा होता है, तो दूसरा होता है माइक्रो स्पोर। दो टाइप का स्पोर हो गया ना, एक मेगा और एक माइक्रो। तो जो हेटरोस्पोरी होती है वो सीड बियरिंग प्लांट्स में होती है, ठीक है, और ये सारे सीड बियरिंग प्लांट जितने भी हैं, जितने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों में, ठीक है, आपको पता है एंजियोस्पर्म में भी एक मेल होगा एक फीमेल होता है, सीड होता है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा कि सीड प्लांट्स में इनमें से क्या होता है, सारे सीड प्लांट्स होते हैं वो हेटरोस्पोर्स ज़रूर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। क्वेश्चन 10 है फ्रेंड्स सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको पैटर्न सेलेक्ट करना है कि ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में वो क्या सही अरेंजमेंट है, ठीक है, करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन ए है स्पोर्स, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबेली। बी है स्पोर्स, फिर स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल एंड लास्ट में स्ट्रोबिलाई होगी। ऑप्शन सी स्पोरेंजिया आएगी, फिर स्पोरोफिल, देन स्पोर्स, स्ट्रोबिलाई। एंड ऑप्शन डी है आपके पास स्पोर्स, स्पोरेंजिया, स्ट्रोबिलाई एंड स्पोरोफिल्स। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं सबसे पहले तो वो हेटरोस्पोरस होते हैं, ठीक है, दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड,
ठीक है, अभी बताया था मेल स्पोर होता है माइक्रोस्पोर और फीमेल होता है मेगा स्पोर। तो जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। दो टाइप के स्पोरेंजिया भी होंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया होगी जिसमें माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होगा, मेगा स्पोरेंजिया होंगी जिसमें मेगा स्पोर प्रोड्यूस होगा, ठीक। और स्पेशल टाइप की लीफ होती हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, माइक्रोस्पोरोफिल, जब फिल शब्द आएगा फ्रेंड्स, फिल का मतलब एक स्पेशल टाइप की लीफ होंगी, ठीक है, फिल्स। तो अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो इस पर क्या प्रोड्यूस होंगी फ्रेंड्स, स्टेमेन, ठीक है। ये स्टेमेन के लिए यूज़ होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स। एंड मेगा स्पोरोफिल्स कार्पेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेगा स्पोरोफिल होगी तो वो कार्पेल के लिए यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, नाउ स्पोरोफिल जो होती है फ्रेंड्स वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा एग्रीगेटेड होती है, मतलब एक साथ जिसको कहते हैं ना एग्रीगेट होके क्लस्टर में, वैसी होती है। बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोन्स कहते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रोबिलाई कहते हैं, कोन्स या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई वाला। नाउ अब जो कोन्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, जनरली एक ही टाइप का कोन होगा तो यूनिसेक्चुअल कहा जाएगा, जिसको कि मेल कोन कहते हैं। मेल कोन जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिएट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग पोलन कोन्स कहते हैं। मेल कोन जो होंगे वो माइक्रो स्पोरेंजिएट, ठीक है, स्पो, एक मिनट फ्रेंड्स रुकिएगा, जो मेल कोन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिएट होगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके स्पेस बना के करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेल कोन है माइक्रोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट है ये, ठीक है, स्पेलिंग बड़ी है इसलिए थोड़ा स्पेस चाहिए था। और जो फीमेल कोन होते हैं वो बस आपको माइक्रो की जगह क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, मेगा, मेगा स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो माइक्रो स्पोरेंजिएट को पोलन ग्रेन को पोलन कोन्स कहते हैं, और जो मेगा स्पोरेंजिएट होते हैं उनको सीड कोन कहते हैं, यानी कि मेगा वाले को कौन सा कोन बोलेंगे, सीड कोन बोलेंगे, इस पर सीड होंगे, और इसको कौन सा कोन बोलेंगे, पोलन कोन बोलेंगे, ठीक है, पोलन कोन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सीक्वेंस भी देख लेते हैं साथ ही में, सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी सबसे पहले जो स्पोर्स होंगे किस में प्रोड्यूस होंगे फ्रेंड्स, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहाँ होंगी, स्पोरोफिल में। स्पोरोफिल एग्रीगेट होके क्या बनाएगा फ्रेंड्स, क्लस्टर होके क्या बनाएगा, स्ट्रोबिलाई बनाएगा, ठीक है, चलिए, या कोन बनाएगा फ्रेंड्स। आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पाइनस मेल स्ट्रोबिलस बेयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ, अभी देखिए अब मेल की बात आई, छोटा होता है मेल, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा मेल से आपको छोटा माइक्रोटर्म यूज़ करना है मेल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेल स्ट्रोबिलाई बेयर्स ऑप्शन ए एंथर्स, बी स्टेमेंस, सी माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड डी मेगा स्पोरोफिल्स। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफिल्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो स्पोरोफिल्स, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल ही तो एग्रीगेट हो करके फिर आगे मेल स्ट्रोबिलस या कोन बनाती हैं फ्रेंड्स, अभी हमने बात की है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिट्रोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ, फिर डैश है एंड ऑल मेंबर्स ऑफ, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, बी है टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा, सी है ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्मी, डी है टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, चलिए बताइए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा में तो कोई स्पोर तो बनते नहीं है, आपको पता ही है, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी में अगेन ब्रायोफाइटा आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी में भी ब्रायोफाइटा दे रखा है फ्रेंड्स, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचता क्या है हमारे पास, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है, इसमें
जो टेरिटोफाइटा है उसके कुछ ही मेंबर में पाए जाते हैं फ्रेंड्स स्पोर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पर्मेटोफाइटा है उसमें ऑल मेंबर्स में पाए जाते हैं हेटरोस्पोर्स, ठीक है, हेटरोस्पोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। ए, इट हैज अनब्रांच्ड स्टेम, इट पजेस पिनेटली कंपाउंड लीव्स, सी इट इज डायोशियस प्लांट, एंड डी इट इज नॉन आर्किगियोनेट प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्किगियोनेट, ठीक है, आर्की लिख लीजिएगा, आर्किगियोनेट प्लांट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए नाउ साइकस जो होता है फ्रेंड्स वो एक आर्किगियोनेट प्लांट होता है। साइकस जो होता है फ्रेंड्स वो कैसा प्लांट होता है, आर्किगियोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा वो एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट, तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट कहा है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास है नॉन आर्किगियोनेट। तो यहाँ पे जो साइकस है फ्रेंड्स वो आर्किगियोनेट प्लांट होता है, ठीक है। इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है उसमें आर्किगोनिया होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जो कि इनकरेक्ट है पूछा है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी साइकस अनब्रांच्ड होते हैं ये करेक्ट है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स भी होती हैं ये भी करेक्ट है, डायोशियस प्लांट होते हैं ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉयड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉयड होता है, यानी कि सिर्फ एन होता है, एन और टू एन तो आपको पता ही है। ए है पॉलन ग्रेन मेगास्पोर एम्ब्रियो, बी पॉलन ग्रेन मेगास्पोर एंडोस्पर्म, सी मेगास्पोर लीफ रूट, डी है लीफ रूट इंटैग्यूमेंट। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन एंड मेगास्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और मियोसिस के बाद और ये कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, जब मदर सेल में मियोसिस होती है उसके बाद डेवलप होते हैं, तो ये हैप्लॉयड ही होते हैं। देखिए जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है फ्रेंड्स वो एम्ब्रियो सैक बना लेता है, ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगा स्पोर शॉर्ट में FMC, ये जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसलिए हैप्लॉयड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स का एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है फ्रेंड्स, और सिर्फ एन होता है, और जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है और 3N triploid होता है, आपको तो पता ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉयड होता है, मेगा स्पोर भी हैप्लॉयड होगा, ठीक है, और ये एंडोस्पर्म भी इसका हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास 15 डैश है, देन उसके बाद है डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो आपको पता है कि जो ब्रायोफाइट, ऑप्शन ए पहले बात कर लेते हैं, ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, सी है जिम्नोस्पर्म्स, एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है ब्रायोफाइट उसका जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, टेरिडोफाइट में भी फ्री नहीं होता है, एंड जिम्नोस्पर्म ही एक ऐसा, जिम्नोस्पर्म इस ऑप्शन में से ऐसे हैं जिनमें क्या होता है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जिम्नोस्पर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देन उसके बाद फ्रेंड्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट दी मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर को सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है हमारे पास साइकस लिविंग फॉसिल्स, बी थुजा अगार प्रोडक्शन, सी पाइनस रेजिन टर्पेंटाइन प्रोडक्शन, डी एरोकेरिया ऑर्नामेंटल प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल आपको
ऑप्शन से समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो थुजा होता है, थुजा प्लिकेटा नेम होता है इसका, इस ये क्या होता है, ये जो है इससे सर्टेन कुछ एंटीबायोटिक्स ऑप्टेन की जाती हैं, ठीक है। ये एंटीबायोटिक का सोर्स होता है और ये कमर्शियल पर्पज से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। होम्योपैथिक में फ्रेंड्स एक मेडिसिन भी आती है जो थुजा होती है, और इस मेडिसिन का यूज़ जनरली वार्ड्स और मस्से को ठीक करने में किया जाता है, बहुत फेमस मेडिसिन है, ठीक है। और क्या होता है, इससे असेंशियल ऑयल्स भी निकाले जाते हैं, परफ्यूमरी में यूज़ होती है ये। तो फ्रेंड्स, और इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है थुजा अगार प्रोडक्शन, और फ्रेंड्स चलिए अगार की बात आई है तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, जो मैंने एल्गी में पढ़ाया है कि अगार जिल्डियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आपको अगार का भी एक सोर्स फिर से रिमाइंड हो गया, याद करा दिया मैंने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है कि ये इसका मैच नहीं है, यानी कि ये मिसमैच है, बाकी सारे सही हैं। साइकस को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, पाइनस से रेजिन टर्पेंटाइन ऑयल भी मिलता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिम्नोस्पर्म्स कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। तो देखिए लिविंग फॉसिल्स तो लग रहा है आपको याद हो ही जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है साइकस, बी गिंगो, सी जूनिपरस एंड डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइकस और गिंगो दोनों ही लिविंग फॉसिल्स होते हैं, साइकस एंड गिंगो दोनों ही जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट द एफिनिटीज ऑफ नीटम विद द एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब नीटम की बात आ गई एंड डिफरेंस विद साइकस एंड पाइनस, ठीक है। तो पहले तो इसमें ये है कि इसमें पहले तो उसकी एफिनिटीज़ बतानी है जो नीटम को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और इसका जो क्या है, जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे मिलते जुलते हों, एंजियोस्पर्म से, एंड डिफरेंसेस विद साइकस एंड पाइनस। तो ऐसा कैरेक्टर जो एंजियोस्पर्म से मिलता हो और ऐसा डिफरेंस जो साइकस और पाइनस से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स एंड अब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल एंड अब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, और बी है पेरियांथ एंड टू इंटैग्यूमेंट्स, सी है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एपिकल मेरिस्टम्स, एंड डी है अब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट्स एंड लीफ वेरिएशंस। तो यहाँ पे अब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन जो हमारे पास है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए जो नीटम होता है, ओके फ्रेंड्स, जो नीटम है वो क्या करता है, जो नीटम है वो जिम्नोस्पर्म है, लेकिन ये कुछ सिमिलैरिटीज एंजियोस्पर्म्स के साथ भी शो करता है तो ये जिम्नोस्पर्म, लेकिन एंजियोस्पर्म के साथ इसकी कुछ समानताएं हैं, और जो डिफरेंसेस हैं वो दूसरे ग्रुप के साथ साइकस, साइकेट्स और कोनिफर्स के साथ होते हैं। तो क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं इसकी एंजियोस्पर्म के साथ क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या रिजेंबलेंस हैं। तो जनरल हैबिट इसका क्या होता है, ये इसमें क्लाइंबर होता है, ट्री एज ट्री लाइक होता है, ठीक है। और लीव्स जो होती हैं उसकी ब्रॉड होती हैं, ग्रीन होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होता है इनमें। एंड आर्किगोनिया जो है फ्रेंड्स, आर्किगोनिया एब्सेंट होती हैं पूरी, फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसमें आर्किगोनिया नहीं पाई जाती है। नाउ अब और क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, जैसे कि एम्ब्रियो सैक होता है, आपको पता है ना कोकोनट में जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न नहीं होता है इसके, और एंडोस्पर्म जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये जिम्नोस्पर्म है, इसका तो फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म वो प्री फर्टिलाइजेशन होना चाहिए बट पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है। जाइलम वेसल्स भी प्रेजेंट है फ्रेंड्स, देखिए एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं ये एंजियोस्पर्म से समानता रखती हैं। नाउ अब सिमिलैरिटी देखेंगे एंजियोस्पर्म से, ये सारी हो गई। अब क्या होगा, अब साइकस और पाइनस, बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो साइकस और पाइनस के साथ हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स, यानी जाइलम वेसल्स एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, ये प्रेजेंट होती है, एंड अब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, ऐसा तो एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका ये जो कैरेक्टर है वो किससे मैच कर रहा है, वो साइकस और पाइनस से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेगा स्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोलोगस टू डैश ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ऑप्शन ए स्टैमेन, ऑप्शन बी कार्पल, ऑप्शन सी सेपल, ऑप्शन डी पेटल्स. तो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये कहा गया है जो जिम्नोस्पर्म का मेगा स्पोरोफिल होता है वो किसके होमोलोगस होता है एंजियोस्पर्म में. तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कार्पल. ठीक है, यानी कि जो का मेगा स्पोरोफिल है वो किसके होमोलोगस होगी, कार्पल की होमोलोगस होगी. चलिए लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 20 क्वेश्चन पूरे कवर किए हैं. दी स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन ए टेरिडोफाइट्स, बी जिम्नोस्पर्म्स, सी एंजियोस्पर्म्स, डी ऑल ऑफ दीज. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्या करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन किस में, जिम्नोस्पर्म्स में. ओके तो फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं फ्रेंड्स. हाँ यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स में टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म में क्या होती है, स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स. ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट फेज इन ऑल ऑफ दीज. ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स. चलिए यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है फ्रेंड्स, और आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा फ्रेंड्स, और प्रिपरेशन डेली डेली करते रहिएगा थोड़ा टाइम निकाल करके, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स. एग्ज़ाम तो जब भी हो, ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कुछ सर्टेन नहीं है, बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप कुछ दिनों में नहीं कर सकते हैं, आपको मेहनत चाहिए होती है, थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना पड़ता है. तो इसलिए फ्रेंड्स आप करिएगा, और प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करिए, सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पे विज़िट करिएगा और मोटिवेट करिएगा, जिससे कि और ऐसे ही लेक्चर लेकर के मैं आती रहूँ. आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू सो मच.